हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस मसाला बाटी। ना अवन ना बाटी मेकर, बहुत ही सिंपल घर में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसाला बाटी। अगर रेसिपी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और खाने के बाद पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला बाटी बनाना। तो सबसे पहले डो बना लेंगे। तो एक बाउल में एक कप आटा ले लेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच सूजी डाल देंगे। एक कप आटा के लिए हमें 3 चम्मच सूजी डालना है। सूजी और आटा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच, हाथों से क्रश कर डाल देंगे। फिर इसमें 1/4 चम्मच सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी से मोइन का काम करेगा। घी हमें उतना डालना है जब हाथों में हम डो को अच्छे से बांधे तो वो बंधने लगे। 4 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमें हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है ताकि सारे आटे के अंदर घी चला जाए, और हाथों में बांध कर देखेंगे कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, जब इस तरह से एक जगह इकट्ठा होने लगेगा तब समझ जाइएगा कि मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तब हम ले लेंगे गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से ही हमें डो को गूंथना है। तो हल्का हल्का पानी को डालेंगे और एक सख्त डो गूंथकर तैयार कर लेंगे। डो को हमें सख्त गूंथना है, इसीलिए पहले थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें। और ध्यान रखिएगा, गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो ये देखिए, हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हाथों से मसलते हुए हमें डो को गूंथ करके तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें, जितना जरूरत पड़ेगी उतना ही हम डालेंगे। और एक सख्त डो गूंथ कर तैयार कर लिया मैंने। ये देखिए, डो गूंथ कर तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं और ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि आटे और सूजी अच्छे से फूल जाए। हमने इसमें सूजी डाला है ना, तो सूजी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और अच्छे से फूल जाएगी, इसीलिए हमें इसे रेस्ट होने देना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक हम बाटी के लिए मसाला बना लेंगे। तो सबसे पहले एक गैस में पैन गरम करेंगे। पैन को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल जब गरम हो जाएगा जीरा डाल देंगे, और साबुत धनिया को मैंने हल्के से क्रश कर लिया था। फिर इसमें सौंफ डाल देंगे, हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच, काला नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच से कम। इन सबको हल्का सा पहले भून लेंगे। काला नमक ऑयल में डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। इन सबको मिला लेंगे और इन सबको हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। हल्दी और लाल मिर्च को तेल में डालने से मसाले का कलर बहुत बढ़िया आता है, लेकिन आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। फिर इसमें हम उबला हुआ आलू को हाथ में उसे तोड़कर डाल देंगे। इसमें हमें ना ही ग्रेट किया हुआ आलू चाहिए, ना ही पोटैटो मैशर से मैश किया हुआ। हाथों से तोड़कर ही डालिएगा, तभी इसकी थिकनेस और एकदम परफेक्ट मसाला हमारी बनकर तैयार होगी। क्योंकि जब हम इसे भूनेंगे ना हाथों से तोड़कर जब डालने के बाद, तो बहुत अच्छा मसाला बनकर तैयार होगा। फिर इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसे हमें भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। जितना आलू को भूनिएगा उतना ही टेस्ट बढ़िया आएगा। तो ये देखिए, आलू को क्रश करते हुए हमने भून लिया है। फिर इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अगर धनिया पाउडर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें साबुत धनिया को क्रश करके डाला है ना, लेकिन मैं हल्का सा डाल दे रही हूँ क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे से मसाले को भूनते हुए आलू को क्रश करते हुए भून लेना है। लास्ट में डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा बाटी के लिए मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, डो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, डो भी अच्छे से फूल चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। तब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़कर तैयार कर लेंगे। तो जितनी बड़ी नींबू होती है ना, छोटी छोटी पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़कर हम तैयार कर लेंगे। हमें बाटी के लिए ज़्यादा बड़ी लोई नहीं तोड़ना है। अगर ज़्यादा बड़ी लोई तोड़ दीजिएगा तो मसाला कम हो जाएंगे और इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हमें छोटी छोटी लोई तोड़कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, सारे डो को मैंने
लोई तोड़कर इस तरह तैयार कर लिया है। तब हम मसाला को ले लेते हैं। तो मसाला ठंडा हो चुका था तो इसको भी मैंने बॉल बनाकर रख लिया है। तो एक प्लेट ले लेंगे जहाँ पे हम बाटी बनाकर रखेंगे। तो पहले हम एक लोई को हाथों में लेकर अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए हल्के से क्रैक्स नहीं आने चाहिए डो में। अच्छे से पहले हमें इसे कटोरी बना लेना है। तो दोनों अंगूठों को बीच में और चारों उंगलियों को बाहर में रखना है और राउंड घुमाते हुए हमें कटोरी बना लेना है। फिर इसे हमें बीच में स्टफिंग को रख देना है और चारों किनारों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है और पैक कर देना है। कटोरी को हमें इस तरह बनाना है कि बीच में हल्का सा पतला और किनारों में हल्का सा मोटा रहे। ज्यादा मोटा मत कर दीजिएगा, नहीं तो बाटी खाने में अच्छी नहीं लगेगी और पकने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये देखिए एक बाटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से सारे बाटी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले हम एक लोई को ले लेंगे, अच्छे से हम पहले कटोरी बना लेंगे, फिर बीच में हम मसाला को भर देंगे और चारे किनारे को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसे हमें पैक कर देना है। और ये हमारा दूसरा बाटी भी बनकर तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से बाकी के सारे बाटी को भी बनाकर मैं तैयार कर लूंगी। और ये देखिए, ये मैंने सारे बाटी को सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लिया है। तो पहले मैं बाटी में ये इस तरह से अंगूठे से हल्का सा प्रेस कर दूंगी। इससे क्या होता है, डिजाइन बन जाता है। या फिर आप नाइफ की मदद से भी इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। जो डिजाइन आपको पसंद है उस तरह बना सकते हैं, या फिर बिना डिजाइन का भी ये खाने में अच्छा लगता है। सिर्फ ये दिखने में अच्छा दिखता है जब हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये देखिए डिजाइन मैंने बना लिया है, अंगूठे से प्रेस कर दिया है और नाइफ से कट कर दिया है। तो पहले हम एक अप्पे पैन गरम करेंगे। अप्पे पैन नॉर्मली सबके घर में होता है और नहीं तो ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो पहले सारे मोल्ड में हमें घी को इस तरह डाल देना है। घी से बाटी बहुत टेस्टी बनती है और घी से बनाइएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल घी से ही बनाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सारे मोल्ड में पहले हमने बाटी को इस तरह रख दिया है। तो ये देखिए बाटी को पहले हम सारे मोल्ड में रख देंगे, फिर इसे हम कवर कर देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। सारे प्रोसेस में हमें फ्लेम को लो रखना है। जब एक साइड से 3 से 4 मिनट में अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसे नाइफ या फोक की मदद से पलट देंगे और इसे हमें दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेना है। और ये देखिए एक साइड कितने अच्छे से सिक चुका है, देख सकते हैं आप, है ना। तो अगर आप अप्पे पैन में बनाइएगा ना तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से ये हमारा बाटी सीख के तैयार हो जाता है। कुकर में अगर आप बनाते हैं तो हल्का सा समय लगता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही क्विक वाली प्रोसेस है। ऊपर से हल्का सा घी और मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो प्रेशर कुकर में भी आप बना सकते हैं। उस प्रोसेस में क्या कीजिएगा, सीटी और रबर निकाल दीजिएगा, बाटी को डाल दीजिएगा और 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लीजिएगा। बीच बीच में कुकर को हिलाते रहिएगा तो बाटी बनकर तैयार हो जाएगी। वापस मैंने पैन को कवर कर दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया मैंने और ये देखिए बाटी हमारी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। कलर भी कितना बढ़िया आया है। वापस मैं इसके ऊपर से हल्का सा घी डाल देती हूँ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। और ये देखिए कितना आसान है बनाना, है ना। और टेस्ट में तो इसका जवाब नहीं। आप इस रेसिपी को एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और ये देखिए है ना एकदम मज़ेदार। अंदर से भी कितनी अच्छे से पकी है देख सकते हैं आप। और जब आप इसे गर्मा गर्म घी के साथ डिप करके खाइएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। मैं दूसरा भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए सारे बाटी कितने अच्छे से पक चुके हैं और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे घी में डिप करके भी खा सकते हैं या फिर ऊपर से इस तरह घी डाल सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आपको